मैं प्रदीप माथुर, जो कि मथुरा वृंदावन से 4 बार विधायक रह चुका हूँ, ये कृपा बांके बिहारी जी, यमुना जी और द्वारकाधीश की रही और मेरी माँ की रही कि जो एक इस अनजाने शहर में मैं आया और यहाँ से मैं MLA बन गया। मैं समझता हूँ कि जीवन में कोशिश यही होनी चाहिए कि अच्छी शिक्षा लेकर आप समाज के लिए जितना भी भला कर सकें वो भला करें। भगवान की कृपा जब बनी होती है तो सब काम सीधे चलते हैं, और यदि थोड़ी भी कृपा हटती है तो सब काम बिगड़ जाते हैं। आई एम इंस्पायर्ड बाई माई मदर, और उन्हीं के रास्ते पर चलता हुआ मैं जीरो से हीरो बना और इस मुकाम तक पहुंचा। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था। मेरे पिताजी एक सरकारी अफसर थे और वो उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि विभाग में अफसर हुआ करते थे। उनका तबादला हर 3 साल बाद, जैसे अन्य अफसरों का होता है, जिले से जिले में हो जाया करता था। मुझे याद है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं मुजफ्फरनगर में मेरे पिताजी थे। उसके बाद जब थोड़ा बालकाल की अवस्था आई तब मैं मेरठ में था। उसके बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र जो है मेरठ से बुलंदशहर हुआ। बुलंदशहर में मैंने प्राइमरी शिक्षा अपने 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक करी। फिर बिजनौर में भी कुछ दिनों हम लोग रहे। फिर उसके बाद हम लोग अलीगढ़ में आए और वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने BSc ऑनर्स किया और वहाँ पे मैंने उसमें टॉप किया यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मेरे पिताजी का स्थानांतरण मथुरा हुआ। इसी बीच में मैं दिल्ली चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने चला गया, और उसके बाद मेरे पिताजी का अल्प आयु में देहांत हो जाता है। मुझे अपनी शिक्षा आदि छोड़ के मथुरा आना पड़ता है। यहाँ मैं लॉ ज्वाइन कर लेता हूँ और वही मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। मेरे पिताजी मेरे ख्याल से 1948 के MSc एग्रीकल्चर में थे, और मेरी माँ भी MA 1950 के करीब MA थी, और उन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे पिताजी बहुत ही ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे, क्योंकि उनके ईमानदारी के किस्से आज तक उत्तर प्रदेश सरकार के उनके विभाग में लिए जाते हैं। पिताजी की जल्दी डेथ होने की वजह से तो पिताजी की एवज़ में मेरी माँ को नौकरी मिली थी, और मैं यहाँ पर लॉ जब ज्वाइन किया था तो उसी के साथ साथ जो मेरा CA का एक्सपीरियंस था और जो कोर्स मैं कर रहा था उससे मैंने अपनी प्रैक्टिस का शुरुआत करी थी। प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी का काम शुरू किया था। माँ की नौकरी की तनख्वाह और मेरे पैसों से मेरे परिवार का लालन पालन हुआ। हम लोग तीन, मुझसे मेरे अलावा 3 भाई और हैं, और तीनों वेल प्लेस्ड हैं। मैं कह सकता हूँ कि बांके बिहारी जी की कृपा, द्वारकाधीश की कृपा और यमुना जी की कृपा मुझ पर रही, और मेरी माँ का रोल तो ज़बरदस्त तरीके से रहा मेरे कैरियर में। वो खुद पढ़ी लिखी थी और वो मेरी हर बात को बड़ी अच्छी तरह मॉनिटर करती थी। देखिए, राजनीति तो एक कोइंसिडेंस है मेरी लाइफ की, क्योंकि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ज्वाइन किया था। मैंने आपको बताया कि मुझसे एक सामाजिक कार्य ऐसा हुआ कि जिसमें एक गरीब ब्राह्मणी का लड़का एक्सीडेंट होता है कॉलेज के सामने, उसकी फैमिली को रीसेटल करने के लिए हम फंड इकट्ठा करते हैं, राजेंद्र शर्मा परिवार सहायता कोष बनाते हैं, फिर उसके बाद 2 साल बाद उसकी बहन की शादी करते हैं। तो इस काम से मुझे राज्यपाल का पुरस्कार मिलता है, सामाजिक बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड ऑफ द स्टेट। फिर मेरे ऊपर मनोहर कहानी नाम की जो प्रकाशन होती है मैगजीन, उसके ऊपर संकल्प करके कहानी लिखी जाती है, जिसे पढ़ के मेरे पास लगभग 4 बोरियां चिट्ठी पूरे देश से आती है, और वो मुझे उसके बाद मानव सेवा संघ नाम की एक संस्था राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड देती है। तो मुझसे मेरी इतनी पब्लिसिटी होती है कि मथुरा के लोग मुझे जान जाते हैं। मेरे मामा प्रधानमंत्री के डॉक्टर होते थे और अभी वो हैं, ईश्वर की कृपा है। वो इंदिरा जी के डॉक्टर थे, वो राजीव जी के डॉक्टर थे, वो नेहरू जी के डॉक्टर थे। तो उन्होंने, उनको मैं मजाक मजाक में एक बायोडाटा देता हूँ, और मुझे मथुरा से 1985 में
एमएलए का चुनाव लड़ने का टिकट मिलता है और मेरे पास पैसे भी नहीं होते। समाज के लोग मिलके मुझे चुनाव लड़ाते हैं और मैं चुनाव जीत जाता हूं। मेरा विवाह सन 84 में हुआ था और मैं अपनी पत्नी जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी हैं उनको भी बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि विवाह के एक महीने के बाद ही मैं एमएलए बन गया। हालांकि उनका विवाह एक पॉलिटिशियन से नहीं हुआ था, उनका विवाह एक प्रोफेशनल व्यक्ति से हुआ था और वो भी अचंभित थी क्योंकि हम लोगों के जो परिवार होते हैं उसमें पॉलिटिक्स दूर दूर तक नहीं थी और हमारी वाइफ को आते ही राजनीति का ये सब हंगामा देखना पड़ा तो वो भी परेशान हुई कि किस वातावरण में मैं आ गई। और जब राजनीतिक कारणों से मैं पहली बार जेल गया तो वो तो बहुत ही घबरा गई थी और घबराने के बाद वो कुछ दिनों अपने पियर चली गई थी। परंतु वक्त बदलता गया, उनको आदत पड़ गई राजनीतिक जीवन की और उसके बाद जनता के लिए कई बार मैंने संघर्ष किया, कई बार जेल यात्राएं करी, तमाम पद यात्राएं करी, क्षेत्र में तमाम काम कराए। मेरे दो बेटी और एक बेटा है और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि सब पढ़ने में होशियार हैं, तीनों डॉक्टर हैं। चुनौतियाँ जो हैं, चुनौतियाँ जिंदगी में आती नहीं, मुझे जमीन जनता का और ज़मीनी जनता का इतना प्यार मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसके समाधान के लिए मैं लग जाता हूँ और मैं अधिकतर एमएलए विपक्ष में रहा हूँ तो सत्ता पक्ष का सुख तो मुझे 85 से 90 के बीच में ही मिला था। उसके बाद तो और विपक्ष की सरकारें रही हमारी, उसके बावजूद भी मैं प्रयासरत रहता हूँ मुख्यमंत्री जी से मिलकर, तमाम अधिकारियों से मिलकर मैं उन चुनौतियों का सामना करता हूं और जनता की समस्याओं का निदान करता हूं। यूजुअली मुझे आदत पड़ी हुई है रात को 1 बजे सोने की, तो जब मैं 1 बजे सोता हूं सारे अखबार पलट के, टीवी देखकर, खाना लगभग 11 बजे करीब खा के, तो सुबह में जब उठता हूं लगभग 6:30-7:30 बजे के करीब, तब मैं थोड़ा वॉक करता हूँ। वॉक करने के बाद आके पेस्ट किया या पेस्ट पहले करके चले गए, चाय पी, अखबार पढ़ा, फिर थोड़ा सा ट्रेडमिल किया, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट किया। इतने में जनता आ जाती है, जनता की समस्याओं का निदान किया। यदि मुझे कचहरी जाना हुआ कचहरी चला गया या दिल्ली का प्रोग्राम हुआ तो दिल्ली चले गए। मानिए राहुल गांधी जी से कभी मुलाकात है तो कभी अपने सीनियर लीडर से मुलाकात है, वहाँ चले गए। और उसके बाद शाम को भी लोग आ जाते हैं और आना जाना सामाजिक जीवन में कोई कम नहीं होता। शादियों के सीज़न में शादियां होती हैं, शादी अटेंड करते हैं, लोगों की उठावनियां होती हैं उसमें जाते हैं, अपना जनसंपर्क बराबर बना के रखते हैं, अपने क्षेत्र में भी घूमते हैं तो दिन का पता नहीं लगता और सारा दिन व्यतीत हो जाता है। सक्सेस मतलब यह है कि ईजी अवेलेबिलिटी टू द पब्लिक, कोई भी आए मैं उससे हर वक्त मिलने को तैयार रहता हूँ। यदि मैं मथुरा में हूँ तो चाहे वो रात को भी व्यक्ति आएगा तो रात को 1 बजे भी मैं उससे मिल लूँगा। और हमेशा अपने आप को लो प्रोफाइल रखना, कभी भी दम्भ भरी बातें नहीं करना, क्योंकि जनप्रतिनिधि का जो समय मिलता है कुल 5 साल का होता है। जनता जिताती है बड़े प्यार से, यदि आप जनता को उपलब्ध नहीं होंगे या जनता से व्यवहार अच्छा नहीं करेंगे तो जनता आपको रिजेक्ट कर देगी। तो इसलिए अपना आदमी को व्यवहार ठीक रखना चाहिए, उनके काम कराने का प्रयास करना चाहिए, वो मैं करता हूं। देखिए, आई एम इंस्पायर्ड बाय माय मदर, हु वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग वीमेन एंड शी हैज गिवन मी पैशन, शी हैज गिवन मी, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, प्यार से लेकर पढ़ाई और पढ़ाई से लेकर राजनीतिक जीवन में व्यवहार और काम करने का सलीका, लोगों से मिलने जुलने के तौर तरीके उन्होंने मुझे बताए और सिखाए। तो इस सब का क्रेडिट मैं अपनी माँ को देता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी के सही रास्ते पर डाला और उन्हीं के रास्ते पर चलता हुआ मैं ज़ीरो से हीरो बना और इस मुकाम तक पहुँचा। देखिए, मेरी फेवरेट पॉलिटिशियन श्रीमती सोनिया गांधी है, वो हमारी आदर्श है, वो एक राष्ट्र नेता हैं और वो हमारी एक मार्गदर्शक है।
मैं अपने आप को फिट रखने के लिए मॉर्निंग वॉक करता हूँ, जिम तो नहीं जाता, मेरे यहाँ खुद कुछ मशीनें ऐसी है ट्रेडमिल जिस पर मैं दौड़ता हूँ, और मैं डायबिटिक भी हूँ, दवाएं भी खाता हूँ और परहेज का खाना खाना पसंद करता हूँ। तो इसलिए क्योंकि जनता के लिए समय निकालने की आवश्यकता है, यदि नेता फिट नहीं होगा तो वो जनता को कैसे फिट रखेगा। मथुरा में पार्क्स की आवश्यकता काफ़ी है, जैसा अभी आपने कहा, मथुरा में भगत सिंह पार्क एक पार्क है, बड़ा पार्क, आर्मी एरिया में पार्क है और काफ़ी एरिया इस तरह का है जहां आप वॉक भी कर सकते हैं। आई एम वेरी मच स्पिरिचुअल एंड आई यूजली गिव क्रेडिट ऑफ एवरीथिंग टू द गॉड। भगवान की कृपा जब बनी होती है तो सब काम सीधे चलते हैं, और यदि थोड़ी भी कृपा हटती है तो सब काम बिगड़ जाते हैं, परंतु उनकी उस में भी कृपा होती है जब आपके काम बिगड़ रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी कुछ दिनों के लिए भगवान ने आपको लेसन सिखाने के लिए सब किया है, परंतु उसके बाद जब आप सही ट्रैक पर चलते हैं भगवान फिर अच्छे दिन दिखाता है। देखिए, जीवन एक समयबद्ध चरण है जिसमें कि आप पैदा होते हैं और एक आपका अंत भी होना होता है। तो इस दौरान जो भी आपकी एज फैक्टर्स आते हैं, जब युवा होते हैं तो आपको क्या करना है, जब आप प्रौढ़ होते हैं तो आपको क्या करना है, जब आप वृद्ध होते हैं तब आपको क्या करना है, तो मैं समझता हूँ कि जीवन में कोशिश यही होनी चाहिए कि अच्छी शिक्षा लेकर आप समाज के लिए जितना भी भला कर सकें वो भला करें, क्योंकि ये मानव शरीर जो है बड़ी मुश्किलों से मिलता है, और हिंदू धर्म के हिसाब से 80,000 करोड़ योनियों के बाद ये मानव शरीर मिलता है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि शरीर से जितने लोगों का भला हो सके वो भला करें, क्योंकि जाने के बाद आदमी का सिर्फ नाम रहता है, और उस नाम के लिए जितना भी बेहतर किया जा सके समाज के लिए तो वो करना चाहिए। जिंदगी में कुछ ना कुछ करने के लिए एक तरह की थ्रिल होना आवश्यक है, यदि आप में थ्रिल नहीं है तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। आपको एक ऊर्जा की ज़रूरत है, एक आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। जब डायरेक्शन की बात आती है, जब मैंने पॉलिटिकल लाइफ ले रखी है तो हमारी हाई लीडरशिप से इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना है। जब परिवार का मामला आता है तो पत्नी से हम इंस्पायर्ड होते हैं, बच्चों की वर्किंग से इंस्पायर्ड होते हैं, और इसके अलावा जब और समाज की बात होती है, समाज के काम करने के लिए, तो स्वयं को इंस्पायर करना पड़ता है कि ये हमारा कर्तव्य है, इस काम को हमें करना ही। आई प्ले बैडमिंटन ऑल्सो, आई पार्टिसिपेट इन डिबेट्स ऑल्सो, आई रीड द बुक्स ऑल्सो, एंड ऑफकोर्स आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, आई हैड रिप्रेजेंटेड दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, आई गॉट अ माई इष्ट देव इज बांके बिहारी जी, उन पर मेरा सबसे ज़्यादा फेथ है, और यमुना मैया की विशेष कृपा मुझ पर रहती है, तो दोनों को मैं बहुत पूछता हूँ, और उन्हीं की कृपा है कि ब्रज के इस मथुरा वृंदावन कॉन्स्टिट्यूएंसी को मुझे बार बार रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। देखिए, आई डोंट सिंग बट आई लाइक भजन्स, आई लाइक भजन्स। मॉर्निंग में हमारे घर जब सब बहू बेटे चाय पी रहे होते हैं, हमारी वाइफ, तो हमारे सामने देखिए वो रखा हुआ है म्यूजिक सिस्टम, इसमें भगवान कृष्ण के तमाम भजन बजते हैं, और वी इंजॉय दोज भजन्स। सुबह सुबह माहौल बड़ा रमणीक हो जाता है। मैं तो देश की जनता से ये कहता हूँ, चाहूँगा कहना, कि देश की तरक्की के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ईमानदारी के साथ जनता के लिए काम करना चाहिए, उनको केवल सपने नहीं दिखाने चाहिए और जनता को केवल हिप्नोटाइज नहीं करना चाहिए वोटों के खातिर। जो भी सरकारें आए वो जनता के लिए वाकई काम करें, जो कि जो काम ज़मीनी हकीकत में दिखे, और बहकावे वाले कामों को ना करें और बहकावे में ना आए। और मैं समझता हूं कि बहकावे में आने का कारण ही है कि आज देश की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, और इस बहकावे से निकलने के लिए
उनको यथार्थ में जाना होगा और देखना होगा कि सच्चाई में क्या और झूठ में कितना अंतर होता है।